इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए इनवर्स 100330522-1। अब ध्यान से समझो बेटा, जब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमें ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है, और इसी फॉर्मूला के हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने का 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करने का क्या क्या मेथड बेटा, स्टेप वन फाइंड माइनर, ठीक है, फाइंड माइनर, ठीक है बेटा, अब हम माइनर फाइंड करेंगे। सेकेंड है बेटा फाइंड माइनर हो गया, अब सेकेंड स्टेप है डायमंड रूल, फाइंड डायमंड रूल, तो डायमंड रूल हो गया। और थर्ड स्टेप क्या है बेटा, ट्रांसपोज, थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोज। तो ये तीनों स्टेप हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, तभी हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, माइनर फाइंड करते हैं। तो चलिए बेटा फाइंड माइनर, तो माइनर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एम वन वन हम फाइंड करेंगे बेटा, तो एम वन वन क्या होगा, एम वन वन होगा बेटा 302-1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 -3 -0 बोले तो बेटा -3, तो एम वन वन की वैल्यू आ गई -3। अब सिमिलरली एम वन टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एम वन टू क्या होगा बेटा, एम वन टू की वैल्यू होगी, यहां पर अगर हम इसको ब्रैकेट बंद करते तो 305-1, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × -1 -0 × 5, 3 × -1 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो एम वन टू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमारा -3 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम वन थ्री की, तो एम वन थ्री कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एम वन थ्री होगा, यहाँ पर एम वन थ्री क्या है, एम वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर हम उसको बंद करते हैं बेटा क्या होगा, 3352, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 3 × 6 -15, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा 9, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा एम टू वन, एम टू वन की वैल्यू क्या होगी, तो एम टू वन कैसे सोल्व करेंगे बेटा, एम टू वन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एम टू वन का होगा, एम टू वन यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम बंद करते हैं तो 0 0 और यहाँ 2 -1, तो जब हम सोल्व करेंगे तो -0 हो गया बेटा, ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, एम टू वन की वैल्यू होगी। अगर हम बात करते हैं एम टू टू की वैल्यू क्या होगी, तो एम टू टू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को बंद कर देंगे, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हमने बंद कर दिया, तो क्या होगा बेटा 105-1, तो -1 × -1 -1 0 हो जाएगा, मतलब हमारा एम टू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एम टू थ्री की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो एम थ्री टू की वैल्यू चेक करते हैं, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा 1052, यहाँ क्या होगा 2 × 1 - 0, मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम थ्री वन, एम थ्री वन क्या होगा बेटा, चलिए एम थ्री वन देखते हैं बेटा, एम थ्री वन मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 2 -1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा 0 होगा। अब हम ध्यान से देखते हैं बेटा एम थ्री टू, एम थ्री टू की वैल्यू क्या होगी, एम थ्री टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर एम थ्री टू की वैल्यू मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1030, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 ये भी 0 होगा बेटा। एम थ्री थ्री, एम थ्री थ्री की वैल्यू क्या होगी, चलिए बेटा एम थ्री थ्री की वैल्यू चेक करते हैं, तो एम थ्री थ्री है क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको बंद करते हैं बेटा, तो 1033, ये भी क्या हो गया बेटा 3 × 1, मतलब 3 और 0, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, एम थ्री थ्री की वैल्यू 3 हो गया। तो हमने यहाँ से माइनर फाइंड कर लिया, तो माइनर हमने फाइंड कर लिया बेटा, तो माइनर क्या है हम इसको देख लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो माइनर आया वो क्या आया, -3 -3 -9, ठीक है बेटा, उसके बाद 0 -1 एंड एम टू थ्री 2 है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 0 एंड 3, ये हमारा क्या आ गया बेटा, माइनर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमंड रूल, डायमंड रूल में क्या है बेटा, इन चारों की सेम साइन क्या है, अपोजिट करना है, ठीक है, इन चारों का साइन क्या है, अपोजिट करना है। चलिए अपोजिट करके आगे देखते हैं क्या होता है, तो जब यहाँ पे साइन अपोजिट करेंगे
ठीक है। तो जब हम साइन अपोजिट करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जब साइन अपोजिट करके चेक करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, -3, मतलब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कर देंगे और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो 0 माइनस, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, 0 0 3। तो जहां पे हमने यही डायमंड रूल है, इन चारों का साइन क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डायमंड रूल है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। द टेकिंग ट्रांसपोज, द ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा बेटा, रो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम रो में हो जाएगा। यहाँ पे होगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया बेटा, ट्रांसपोज हो गया। तो जब ये ट्रांसपोज हो गया आपका, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, यही तो हमारा एडजॉइंट है, जो ट्रांसपोज आता है वही तो हमारा एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉड ए, मतलब डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 into, तो जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम मॉड ए फाइंड करते हैं। तो 1 into क्या होगा, 3 into -1 -0, -0 into anything 0 होगा, +0 into anything 0 होगा। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो 3 -3, मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, -3 हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका हमने क्या फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। और जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया बेटा तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 -3 आ गया। तो हम ए इनवर्स की फार्मूला जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यही होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए क्या है बेटा, यहाँ पर एडजॉइंट ए की मैं बात करूंगा, तो अभी तो हमने फाइंड किया क्या, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ठीक है, और मॉड ए क्या है बेटा, मॉड ए की वैल्यू कितनी, हमने यहाँ पर -3। तो चलिए हम इसको डिवीजन कर देते हैं, मतलब जो फाइनल आंसर होगा -1/3। ठीक है, -1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, -3 0 0, यहाँ पे 3 -1 0, -9 -2 3। तो यही हमारा क्या आंसर हो गया बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ए इनवर्स का। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,